हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्शन। दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा था कि आज के बाद आज से एक न्यू टॉपिक मेरे चैनल में ऐड होने जा रहा है, सेक्स एजुकेशन। जी हाँ, तो आज मैं उसी के रिलेटेड मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इंडिया में सेक्स एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए हम जैसे लोगों को सोशल मीडिया पर लोगों को अवेयर कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सेक्स को लेकर लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा मिथ होते हैं। स्कूल कॉलेज में भी हमें पढ़ाया नहीं जाता है सेक्स के बारे में, ऐसे सेक्स एजुकेशन को लेकर कोई अलग सा टॉपिक, कोई अलग सा सब्जेक्ट नहीं है जहाँ पर हमें सेक्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया जाता है। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सेक्स को लेकर मन में काफ़ी ज़्यादा डाउट होते हैं, लेकिन वो लोगों के साथ कुछ शेयर करने में या फिर अपनी प्रॉब्लम को बताने में या फिर अपने क्वेश्चन को पूछने में बहुत ज़्यादा कतराते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर से भी लोग ज़्यादा बात खुलकर बातें नहीं करना चाहते हैं। और जो मैरिड होते हैं वो तो चले जाते हैं गायनों के पास, लेकिन जो अनमैरिड पीपल होते हैं वो गायनों के पास जाकर ये सब क्वेश्चन पूछने से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाते हैं। तो इसलिए मैं आज से ये टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ अपने चैनल में कि मैं लोगों को ये बातों में अवेयर कर सकूँ, जितनी भी मिथ है मैं उसको तोड़ सकूँ और फैक्ट को बता सकूँ। बट बिफोर गो टू वीडियो, अगर आप इस तरह की वीडियो और देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक शेयर करो ताकि सबके मन में डाउट्स क्लियर हो। मैं ये सोशल अवेयरनेस के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसमें मेरा कोई पर्सनल कोई प्रॉफिट नहीं है, ना इससे मुझे कोई पैसे मिल रहा है, ना कोई स्पॉन्सर वीडियो है। और दोस्तों, एक बात मैं बताना चाहूँगी, मैं अपने चैनल में प्रोडक्ट रिव्यू, फैशन हॉल ये सब दिखाती रहती हूँ और बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ये सब वीडियो स्पॉन्सर नहीं होता है। मेरी जो भी ओपिनियन मैं देती हूँ हर किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी हॉल के बारे में, कोई भी कपड़े के बारे में, वो बहुत ऑनेस्ट के साथ देती हूँ। जो कुछ भी मुझे खटकता है वो मैं कैमरे के सामने ही बोलती हूँ, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं होता है। स्पॉन्सर वीडियो में अक्सर लोग कंपनी जो उनको सिखाते हैं, जो उनको बोलने के लिए बोलते हैं वही बोलते हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की ओपिनियन देती हूँ। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो ज़्यादा बातें ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो नाउ। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंटरकोर्स बॉयज़ को क्या करना चाहिए? सो आफ्टर इंटरकोर्स बॉयज़ को यूरिन पास करना चाहिए और जाकर फुल्ली वॉश कर लेना चाहिए पानी से। सो सेकेंड क्वेश्चन है, गर्ल्स को आफ्टर इंटरकोर्स क्या करना चाहिए? सो गर्ल्स, अगर आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाहते तो आपको इंटरकोर्स करने के बाद यूरिन पास कर लेना चाहिए और जाकर वजाइना को एक नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं या फिर आप वी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वी वॉश और जिस टाइप की वजाइनल वॉशेज होती है वो थोड़ी बहुत कम यूज़ करें तो अच्छा है, बार बार ये ज़्यादा यूज़ ना ही करे तो अच्छा है। नॉर्मल पानी काफ़ी होता है, जस्ट इनाफ फॉर वजाइनल वॉश, क्योंकि वजाइना अपने आप में एक क्वीन होता है, वो वजाइना अपनी तरीके से नेचुरली वो वॉश हो जाते हैं। सो नो नीड टू एनी टाइप ऑफ सोप तो यूज़ ना ही करे बिल्कुल, और नॉर्मल पानी से आप इसको धो सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन है, अगर गर्ल्स, अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हो तो आप यूरिन पास नहीं करेंगे जस्ट आफ्टर हैविंग सेक्स, आपको थोड़ी बहुत स्लिप करना होगा बेड में ही और 90 डिग्री एंगल में आपको पैर को ऐसे उठाकर थोड़ी कुछ टाइम के लिए ऐसे पोज में आपको रहना पड़ेगा ताकि स्पर्म थोड़ी बहुत उसमें काम कर सके। इंटरकोर्स के बाद ही फौरन ही अगर आप यूरिन पास करेंगे तो मैक्सिमम स्पर्म वहां से निकल जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए, पैर को थोड़ी 90 डिग्री एंगल में आपको उठाकर वहां पर लेटे रहना चाहिए ताकि प्रेग्नेंट होने के चांसेस बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेवर्ड कॉन्डोम किस लिए होते हैं? सो फ्लेवर कॉन्डोम कभी भी वैजाइनल सेक्स के लिए नहीं होता है, ये ओरल सेक्स के लिए होता है। नॉर्मल कॉन्डोम से ओरल सेक्स के टाइम रबर जैसे स्मेल आती है, सो इसलिए इस स्मेल को अवॉइड करने के लिए फ्लेवर्ड कॉन्डोम है जो ओरल सेक्स के लिए बनाया गया है, लेकिन दिस इज नॉट फॉर वजाइनल सेक्स। नेक्स्ट, हमारी देशों में बहुत सारे लोगों ने अभी तक गर्ल्स की मैस्टरबेशन को लेकर काफ़ी मन में डाउट है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि गर्ल्स को मैस्टरबेट नहीं करना चाहिए, ये बुरी चीज़ है। सो मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि मैस्टरबेशन इज मतलब ह्यूमन राइट और इट्स अ ह्यूमन नेचर ऑल्सो। सो जैसे बॉयज़ को मैस्टरबेशन करना चाहिए वैसे गर्ल्स को भी मैस्टरबेशन करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे देशों में 70% गर्ल्स मैस्टरबेट करते हैं। सो मैस्टरबेशन इज अ ह्यूमन नेचर, ये सभी करते हैं और सभी को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, टू मच मैस्टरबेशन इज गुड और बैड?
कोई भी चीज़ के लिए टू मच अच्छा नहीं होता है। सो आप मैस्टरबेट करना ये बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट सेफ भी है, क्योंकि अगर आप किसी अपने सेक्स के लिए कोई और पार्टनर ढूंढ रहे हो, आज एक पार्टनर कहीं जगह पर अगर जो मैरिड नहीं है, अगर वो सेक्स के लिए कोई और पार्टनर ढूंढ रहे हो, तो इससे बेटर है कि आप अपनी रूम अपने बाथरूम में जाकर मैस्टरबेट करो। सो इट्स सेफ एंड ये ह्यूमन नेचर में भी है और मैस्टरबेट करना चाहिए, बट टू मच इज़ नॉट गुड। सो बाहर जाके सेक्स करने से ज़्यादा सेफ है मैस्टरबेशन। नेक्स्ट और एक हमारे मिथ चलता है कि टू कॉन्डम्स आर बेटर देन वन। तो ये एक मिथ है, बहुत ज़्यादा लोगों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि दो कॉन्डम पहने से डबल प्रोटेक्शन आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर डबल प्रोटेक्शन नहीं आता है, उल्टा कॉन्डोम फटने की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। टेक्निक यही है कि हर बार इंटरकोर्स से पहले आप एक सिंगल कॉन्डोम का ही यूज़ करो, और वो उसके बाद आप यूज़ करने के बाद उसको फेंक दो या फिर वॉशआउट कर दो, अपने बाथरूम में जाकर वॉशआउट भी आप कर सकते हो, जो बिल्कुल हाइजीनिक होगा। इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू कंसीव, यू शुड ऑलवेज यूज़ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और कॉन्डोम। नेक्स्ट एक चीज़ और है कि बहुत सारे गर्ल्स अपनी एक्सपीरियंस करने के लिए, एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए वजाइना में फ्रूट और वेजिटेबल इंसर्ट करते रहते हैं। सो डोंट इंसर्ट फ्रूट और वेजिटेबल इन योर वजाइना, ये इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये बिल्कुल गलत है और ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांसली अगर वो टूट कर वजाइना के अंदर थोड़ा सा भी पार्ट रह गया, तो उसको बाद में आपको सर्जरी करना पड़ेगा। सो डोंट डू दैट। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट विथ फोरप्ले। नाउ टॉकिंग अबाउट फोरप्ले, आई मस्ट इंसिस्ट गो एंड प्ले विथ क्लिट। नाउ व्हाट इज क्लिट एंड व्हाट इज फोरप्ले, अगर जो समझ गए वो समझ गए, अगर आप नहीं समझे तो यहाँ पर मैं इतनी अगर डिस्क्रिप्शन दूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगी। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर दो, तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगी, मुझसे जितना हो सके मैं कोशिश करूँगी आपकी क्वेश्चन को आंसरिंग करना। और व्हाट इज क्लिट एंड व्हाट इज फोर पे अगर कोई नहीं समझे, तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो सारी बातें क्लियर करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेमेंस को ऑर्गेज्म होता है या नहीं? जी हाँ, वेमेंस को भी ऑर्गेज्म होता है। जहाँ तक बॉयज़ के बारे में, 100% ऑर्गेज्म होते हैं सभी को, 60% वुमेंस को ऑर्गेज्म होते हैं और 40% वुमेंस को ऑर्गेज्म नहीं होता। लेकिन जो जिसको ऑर्गेज्म नहीं होता है, वो अपने दिमाग में ये बैठा लेता है कि शी इज़ नॉट कम्प्लीट वुमेन। सो ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल तरीका है। सबको ऑर्गेज्म, वुमेंस में से सबको ऑर्गेज्म नहीं होता है, 60% वुमेंस को ऑर्गेज्म होता है, 40% ऑर्गेज्म नहीं होता है 40% को, कि यू आर नॉट अ कम्प्लीट वुमेन, कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर आप ठीक नहीं हो, ऐसा कोई भी बात नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कौन सी एज में गर्ल्स को पहली बार गायनो के पास जाना चाहिए? सो गर्ल्स की जो जब पहली बार पीरियड्स होते हैं, तभी उसको गायनो के पास जाना चाहिए। अगर आप में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको पेन हो रहा है, स्टोमक पेन हो रहा है, या फिर आपको पीरियड्स में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो आपको तुरंत गायनो के पास जाना चाहिए। और ये मैं हर एक माँ को बोलना चाहती हूँ कि पीरियड्स से पहले अपनी बेटी को इसके बारे में थोड़ी बहुत पहचान कराइए, व्हाट इज पीरियड्स, कौन सी एज में ये स्टार्ट होगा। तो कोई भी बच्चे को इसके बारे में नॉलेज नहीं होता है, तो हर माँ की ये ड्यूटी है कि पीरियड्स से पहले अपने बच्चे को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज दे, ताकि वो अपनी जब भी पीरियड स्टार्ट हो, वो कभी भी हेजिटेट ना हो, वो कॉन्फिडेंट रहे और उसको क्या करना चाहिए तुरंत कोई डिसीजन ले सके, ताकि अचानक से उसको कोई घबराहट ना हो। सो ऑलवेज टीच देम अबाउट पीरियड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट ओके टू वॉच पॉर्न, इज पॉर्न अ गुड सोर्स ऑफ सेक्स नॉलेज? सो जहाँ तक सेक्स नॉलेज की बात है, तो नहीं, आप वहाँ से नॉलेज गैदर ना ही करो तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर वो एक मूवी है, वो जो लोगों को एंटरटेन करने के लिए बनाया जाता है। तो मूवी में क्या होता है, हम जैसे हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्म देखते हैं, तो वहाँ पर ये होता है, वो होता है, जो हमारी रियल लाइफ से काफ़ी दूर होता है, जस्ट फॉर एंटरटेन वहाँ पर थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा दिखाया जाता है, कार उलट गया, बस उलट गया, फिर भी लोग बच गए, बच जा रहे हैं, हीरो बच गया, 10 गोली लगने पर भी हीरो बच रहा है।
तो ऐसी बहुत सारी चीज मूवीज में दिखाया जाता है जो कि सच नहीं होता है। सो सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे कुछ है जो रियल लाइफ से थोड़ी बहुत अलग है, ये भी एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है। सो आप हाँ थोड़ी बहुत वहाँ पर नॉलेज तो मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी भी है तो जो रियल लाइफ से थोड़ी बहुत अलग है। सो अगर जहाँ तक फन और एंटरटेनमेंट की बात है तो आप देख सकते हो पॉर्न, और इसमें कोई गलती नहीं है, जो 18+ है वो पॉर्न देख सकते हैं, बेशक देख सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर फुल नॉलेज। सो ये थी आज की वीडियो। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, अगर मेरी टॉपिक आपको पसंद आए, तो नेक्स्ट मैं इसी बारे में और भी वीडियो बनाती रहूँगी। तो इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं कमेंट में जाकर, तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करूँगी जितना मुझसे हो सकेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।